हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और मेरे चैनल का नाम है वर्षा ब्यूटी केयर। दुआ करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, जैसा कि आपने टाइटल में देख ही लिया होगा, आज मैं बात करने जा रही हूँ ब्राइडल स्किन केयर रूटीन के बारे में। इससे पहले भी मैंने अपने चैनल पर एक वीडियो शेयर की थी, उसको आपने बहुत ज्यादा पसंद किया। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स कि आपको वो ब्राइडल स्किन केयर रूटीन इतना ज्यादा पसंद आया। उसमें मैंने आपको बताया था DIY नुस्खे, जिसे यूज करके आप अपनी स्किन को ग्लोइंग और चमकदार बना सकते हैं। लेकिन आज की इस वीडियो में मैं आपको घरेलू नुस्खे नहीं बताऊंगी, बाजार के कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स बताने जा रही हूँ, कुछ ऐसे कॉस्मेटिक्स बताऊंगी जो आपकी स्किन को जवा बनाएंगे और जो आपकी स्किन में निखार भी लेकर आएंगे। तो चलिए दोस्तों, देख लेते हैं कि वो नुस्खे कौन से हैं, वो प्रोडक्ट्स कौन से हैं। तो फ्रेंड्स, इससे पहले जो मैंने आपको ब्राइडल स्किन केयर रूटीन बताया था, उसमें मैंने आपको घरेलू नुस्खों के बारे में बताया था कि कैसे आप घर पर ही DIY फेस पैक या फेस स्क्रब से अपनी स्किन को ग्लोइंग बना सकते हैं और अपनी त्वचा में निखार ला सकते हैं। लेकिन आज के इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स दिखाने जा रही हूँ जो आपको ऑनलाइन भी मिल जाएंगे और आपको लोकल स्टोर में भी मिल जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, देख लेते हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि इन प्रोडक्ट्स को आप काफी अफोर्डेबल प्राइस पर ले सकते हो। तो यहाँ पर दोस्तों, मैं आपको कुछ प्रोडक्ट्स दिखाने जा रही हूँ जो कि अगर आपकी शादी होने वाली है या अभी कुछ टाइम बचा है तो तब भी आप इन प्रोडक्ट्स को बेझिझक जगहों को यूज कर सकती हैं। अगर आप DIY यूज नहीं करना चाहती है या आपके पास इतना टाइम नहीं है तो आप बाजार के इन प्रोडक्ट्स को भी यूज कर सकती हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं बात कर रही हूँ ब्लीच की। तो ये है VLCC की ब्लीच। ये मैंने अपनी स्किन टाइप के अकॉर्डिंगली चूज की है। तो आप अपनी स्किन टाइप को ध्यान में रखते हुए कि आपकी स्किन का टेक्सचर क्या है, टाइप क्या है, कॉम्बिनेशन स्किन है, सेंसिटिव स्किन है, इन सब चीजों को ध्यान में रखकर ही आपको अपनी ब्लीच को चूज करना चाहिए। तो आप अपनी स्किन के हिसाब से देख सकते हैं कि आपको कौन सी ब्लीच सूट करती है। और जब भी आप ब्लीच यूज करें, अगर आप शादी से कुछ दिन पहले ब्लीच यूज कर रही हैं, लाइक अगर एक दो महीना पहले यूज कर रही हैं, तो आप हमेशा ब्लीच यूज करने से पहले एक पैच टेस्ट जरूर कर देखिएगा। अपने कान के पीछे भी यूज कर देख सकती हैं या अपने एल्बो पर, कि अगर आपको कोई इचिंग वगैरह होती है तो आप उस ब्लीच को यूज नहीं कर सकती है। इन सब बातों को ध्यान में जरूर रखिएगा। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं फेशियल की। फेशियल भी हमें हमेशा अपनी स्किन टेक्सचर को और टाइप को ध्यान में रखते हुए ही करवाना चाहिए या करना चाहिए। लेकिन अगर आप मेरी तरह घर पर ही फेशियल करना पसंद करती हैं तो आप यूज कर सकती हैं VLCC फेशियल। इसमें आपको और भी ज्यादा फ्लेवर्स मिल जाएंगे, अपनी स्किन के अकॉर्डिंगली आप चूज कर सकती हैं। इसमें आपको गोल्ड फेशियल भी मिल जाएगा, डायमंड भी मिल जाएगा, सभी तरह के फेशियल इसमें अवेलेबल है मार्केट में। आप चाहे तो ऑनलाइन भी परचेज कर सकती हैं या फिर लोकल मार्केट में भी आप परचेज कर सकती हैं। तो बहुत ईजिली आपको मिल जाता है, बहुत अच्छा सकेट में इस तरीके से आता है ये। और इस फेशियल को आप गाइस 2 से 3 बार इजिली कर सकती हैं घर पर ही। तो मैं आपको इसे जरूर रिकमेंड करूंगी। मुझे आज तक कभी इन फेशियल्स के साइड इफेक्ट नजर नहीं आया है। बहुत ही अच्छा ग्लो देती हैं, आपकी स्किन को सॉफ्ट और स्मूथ बना देंगे ये फेशियल्स। तो आप इसे भी ट्राई कर सकती हैं। और अगर आपकी स्किन ड्राई है या अगर आप ऐसी कोई चीज ढूंढ रही हैं जो आपकी स्किन में इंस्टेंट ग्लो दे, आपकी स्किन को पूरा दिन हाइड्रेट रखे, मॉइस्चराइज करे, आपकी स्किन को नरिशमेंट प्रोवाइड करे, तो अगर ऐसी कोई चीज ढूंढ रही है ना गाइस, तो मुझे नहीं लगता इन शीट मास्क से अच्छा कोई ऑप्शन हो सकता है। ये शीट मास्क बहुत ही अच्छा है गाइस। इनका रिव्यू मैंने अपने चैनल पर ऑलरेडी शेयर किया हुआ है, तो प्लीज गाइस मेरी वीडियो की प्लेलिस्ट को चेक जरूर कर लीजिएगा। आई एम श्योर आपके लिए हेल्पफुल होगी। और हाँ गाइस, इनमें आपको और भी फ्लेवर्स मिल जाएंगे, अपनी स्किन के अकॉर्डिंगली भी आप चूज कर सकती हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि ये शीट मास्क आपको लोकल मार्केट में भी मिल जाएंगे और ऑनलाइन भी इजिली अवेलेबल हो जाएंगे। बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस पर ये आपको मिल जाते हैं और आजकल तो कॉम्बो ऑफर में भी आपको मिलने लगे हैं, तो आप अलग अलग फ्लेवर्स भी यूज कर सकती हैं। तो इस वक्त आप मेरे हाथ में देख सकती हैं, ये 3 फ्लेवर्स हैं मेरे हाथ में। ये देखिए, ये ऑलिव ऑयल है, ये पोमेग्रेनेट है और ये हनी है। तो आप अपने अकॉर्डिंगली देख सकती हैं आपको कौन सा पसंद है। और ये इंस्टेंट ग्लो भी देते हैं आपकी स्किन में, पूरा दिन आपकी स्किन को मॉइस्चराइज रखेंगे, हाइड्रेट रखेंगे। बहुत अच्छी एक ड्राई स्किन की प्रॉब्लम को दूर करने के लिए शीट मास्क है, आप इसे जरूर ट्राई कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं सबसे ज्यादा जरूरी इंग्रेडिएंट जो हमारी स्किन के लिए होता है, उसकी बात कर लेते हैं। जी हाँ, मैं यहाँ पर बात कर रही हूँ टोनर की। टोनर को भूल जाए तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। टोनर हमारी स्किन में जितने भी गड्ढे होते हैं, पोर्स होते हैं, यानी कि उन्हें क्लोज करने में हेल्प करता है, उन्हें कवर करने में हेल्प करता है। तो इसलिए मैं यहाँ पर आपको रिकमेंड करूंगी बायोटिक का टोनर है ये। और ये है बायोटिक एडवांस आयुर्वेदा हनी वाटर पोर टाइटनिंग टोनर विद हिमालयन वाटर्स फॉर ऑल स्किन टाइप के लिए है ये। बहुत ही अच्छा टोनर है। इसमें भी आपको अपनी स्किन के अकॉर्डिंगली बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे, आप अपनी स्किन के अकॉर्डिंगली भी चूज कर सकते हैं गाइस। बहुत अच्छा टोनर है, इसका रिव्यू भी मैंने अपने चैनल पे ऑलरेडी शेयर किया हुआ है, तो प्लीज इसे एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा। बहुत अच्छा टोनर है। और जब भी आप अपनी स्किन केयर रूटीन करती है तो टोनर को लगाना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगर आपकी शादी होने वाली है या अभी कुछ टाइम बचा है या अभी थोड़ा टाइम बाकी है, तब भी आप टोनर को जरूर इस्तेमाल कीजिएगा। टोनर को लगाना बिल्कुल मत भूलिएगा, चाहे विंटर्स हो या समर्स हो। अब मैं यहाँ पर बात कर रही हूँ ड्राई स्किन वालों के लिए। अगर आपकी बहुत ज्यादा ड्राई स्किन है, अगर आप कोई ऐसा ऑयल ढूंढ रही हैं, अगर आपको और कोई चीज सूट नहीं करती है, तो आप ये का हर्बल गोल्डन ग्लो स्किन ऑयल भी यूज कर सकती हैं गाइस। बहुत अच्छा ये एक स्किन ऑयल है, आपकी स्किन में जितने भी डार्क सर्कल्स हैं या पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम है, उसे ये दूर करने में हेल्प करता है। इसका रिव्यू मैंने अपने चैनल पे ऑलरेडी शेयर किया हुआ है, तो कंप्लीट जो आपको जानकारी चाहिए आप मेरी वीडियो की प्लेलिस्ट को चेक कर एक बार जरूर देखिएगा।
नेक्स्ट गाइज, आपने क्वेश्चन पूछा था कि आप फेस पैक बताइएगा पिंपल्स और एक्ने वाली स्किन के लिए फेस पैक बताइएगा, तो मैं आज आपको ऐसा ही फेस पैक बताने जा रही हूँ। इस फेस पैक की खास बात ये है कि ये आपको नॉर्मल मार्केट में भी मिल जाएगा और ऑनलाइन भी आपको इजीली अवेलेबल हो जाएगा, बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस पर आपको मिल जाएगा। क्वांटिटी आप अपने अकॉर्डिंगली भी चूज कर सकती हैं और स्किन टाइप भी आप अपने अकॉर्डिंगली चूज कर सकती हैं, इसमें आपको और भी ऑप्शंस मिल जाएंगे। तो यहां पर मैं बात कर रही हूँ हिमालय सेंस प्यूरिफाइंग नीम फेस पैक का। ये देखिए, ये फेस पैक है, ये हिमालय का नीम फेस पैक है, बहुत ही अच्छा है और क्यूट सी पैकेजिंग में आता है, देख सकते हैं आप, ट्यूब पैकेजिंग में आता है। अपने अकॉर्डिंगली भी आप इसे क्वांटिटी ये देखिए इस तरीके से ले सकते हैं। इसका रिव्यू मैंने ऑलरेडी अपने चैनल पे शेयर किया हुआ है, तो प्लीज गाइज मेरी वीडियो की प्लेलिस्ट को चेक जरूर कीजिएगा, आई एम श्योर आपके लिए हेल्पफुल होगी। और एक्ने और पिंपल स्किन वालों के लिए बहुत ही बेस्ट है ये फेस पैक, इसे डेफिनेटली आप ट्राई कर सकते हो, इसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है और इससे आपके जितने भी पिंपल्स या दाग होंगे वो गायब हो जाएंगे, आपके एक्ने की प्रॉब्लम को भी ये कम करता है। और इसके साथ आप अगर यूज करना चाहते हैं तो नीम फेस वॉश भी यूज कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों, अब मैं सेकंड फेस पैक आपको बता देती हूँ। अगर आपकी स्किन पे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, तो अगर आप वैसे ही अपनी स्किन में ग्लो लाना चाहती हैं, चमक लाना चाहती हैं, सॉफ्ट और स्मूथ बनाना चाहती है अपनी स्किन को, तो आप प्योर रूट सैंडल फेस पैक भी यूज कर सकती हैं। ये देखिए, इसका रिव्यू भी मैंने ऑलरेडी अपने चैनल पे शेयर किया हुआ है, तो वीडियो की प्लेलिस्ट को चेक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। सो गाइस, ये काफी अच्छा फेस पैक है और सबसे अच्छी बात ये है इस फेस पैक को कि अगर आप कहीं बाहर जाना चाहती हैं, अगर आपने सडनली कहीं बाहर जाना है, आपकी स्किन पे ग्लो आपको चाहिए, तब भी आप इस फेस पैक को यूज कर सकती हैं, बहुत ही अच्छा फेस पैक है। अब बात कर लेते हैं मॉइस्चराइजर की। वैसे तो सभी स्किन जो होती है वो अलग अलग टाइप की होती है, आप अपने अकॉर्डिंगली भी चूज कर सकती है मॉइस्चराइजर। मैं तो फिलहाल अभी मॉइसॉफ्ट का मॉइस्चराइजर यूज कर रही हूँ क्योंकि मुझे बहुत ज्यादा पसंद आया है ये। और बॉडी अगर लोशन की बात करूँ या बॉडी मॉइस्चराइजर की, तो आप बोरो प्लस का यूज कर सकती है, दूध केसर वाला, इसका रिव्यू भी मैंने ऑलरेडी अपने चैनल पे शेयर किया हुआ है। अब बात कर लेते हैं गाइस कि मेकअप रिमूव करने के लिए आपको कौन सी चीजों का इस्तेमाल करना चाहिए। वैसे तो बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं मार्केट में अवेलेबल, जो आपको आपकी स्किन को सूट करेंगे वो ही डेफिनेटली आप यूज करेंगे। लेकिन अगर आप ज्यादा कुछ कॉस्टली नहीं जाना चाहती हैं या ज्यादा कुछ नहीं ट्राई करना चाहती हैं, तो अगर आप ऑयल से अपना मेकअप रिमूव करना चाहती हैं तो उससे भी कर सकते हैं। मेकअप रिमूव के लिए भी मैंने वीडियो बनाई हुई है कि आप किन किन चीजों को यूज कर सकते हैं मेकअप को रिमूव करने के लिए, तो प्लीज गाइस वीडियो की प्लेलिस्ट एक बार चेक जरूर कर लीजिएगा। साथ ही साथ मैं आपको यहां पर रिकमेंड करूंगी गार्नियर का मिसेलर क्लींजिंग वाटर, ये बहुत अच्छा मेकअप रिमूवर है, इजिली आप अपने पर्स में इसे कैरी कर सकती हो, काफी टाइट है इसकी लिड और इजिली ओपन भी नहीं होती है, तो बहुत अच्छा ऑप्शन है मेकअप रिमूव के लिए। जब भी आप अपना मेकअप रिमूव करें तो आप नारियल ऑयल से भी कर सकती है, कोकोनट ऑयल से, यानी कि उससे भी आप अपना मेकअप रिमूव कर सकती है। और गाइस, जब भी आप रात को सोने के लिए जाएं तो अपना मेकअप रिमूव करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों उपटन की। अगर आप कोई उपटन यूज करना चाहती हैं तो आप इस तरह की का फेस पैक भी यूज कर सकती हैं, इसे आप उपटन की तरह भी यूज कर सकते हो, इसका रिव्यू भी मैंने अपने चैनल पे शेयर किया हुआ है। ये है एल्विनेसिस का ऑरेंज पील पाउडर, आप इसे अपने किसी भी उपटन में या किसी भी फेस पैक में मिक्स कर भी आप इसे लगा सकते हो, आप इसे मुल्तानी मिट्टी में मिक्स कर भी लगा सकते हो और आप इसको एज अ स्क्रब भी यूज कर सकते हो, बहुत ही अच्छा फेस पैक का भी काम करता है और स्क्रब का भी काम करता है, इससे आपके ब्लैकहेड और व्हाइट हेड्स भी रिमूव करने में हेल्प करेगा, प्लस ये आपके स्किन टेक्सचर को भी इम्प्रूव करता है और आपकी स्किन पर जितने भी दाग धब्बे होते हैं उसे भी ये रिमूव करने में हेल्प करता है। तो दोस्तों ये भी काफी अच्छा ऑप्शन हो सकता है, ये आपको ऑनलाइन भी मिल जाएगा और लोकल मार्केट में आपको एक बार पता करना पड़ेगा, उसके बारे में मैं कंफर्म नहीं हूं, और मे भी आपको मिल जाएगा, लेकिन ऑनलाइन भी अगर आप लेना चाहते हैं तो ऑनलाइन भी परचेज कर सकते हो, काफी अच्छा पील पाउडर है ये। तो यहां पर मैं फ्रेंड्स आपको अपने फेस पर ब्लीच और फेशियल कर दिखाऊंगी। यहां पर मैं सबसे पहले यूज कर रही हूँ VLCC ब्लीच, ये आप देख सकते हो ऑक्सीजन ब्लीच है, और मैंने इससे पहले भी VLCC फेशियल किट का रिव्यू अपने चैनल पे शेयर किया हुआ है, तो आप मेरी वीडियो की प्लेलिस्ट को चेक जरूर कर लीजिएगा। तो ये देखिए, मैंने यहाँ पर ब्लीच कर ली है और अब मैं अपने फेस को वॉश कर आ चुकी हूँ। इस वक्त मेरे फेस पर कोई भी मेकअप वगैरह नहीं है, तो मैं अभी यहाँ पर आपको फेशियल कर दिखा रही हूँ गाइज। ये स्निग्धा की VLCC फेशियल किट है और ये ग्रीन कलर में आती है। इससे पहले मैंने ये ग्रीन कलर की फेशियल किट का रिव्यू अपने चैनल पर शेयर नहीं किया था, तो आज मैं फर्स्ट टाइम ही इसे यूज़ कर दिखा रही हूँ। इसका रिजल्ट भी मैं आपको दिखाऊंगी। फर्स्ट जो स्टेप है इसमें, यहाँ पर मैं स्क्रब कर रही हूँ, तो इसमें टोटल 4 सैशे आते हैं। इसमें आपको स्क्रब मिल जाता है और फेशियल जेल, फेशियल क्रीम और फेस पैक मिल जाता है। तो इन 4 चीज़ों की हेल्प से मैं आज ये फेशियल करने जा रही हूँ, तो आपने 2 से 3 मिनट तक ही ये स्टेप करना है। तो ये देखिए, मैंने स्क्रब कर लिया है और सिर्फ स्क्रब से ही आप देख सकते हो कितनी अच्छी ग्लो आई है और खुशबू बहुत अच्छी होती है इसकी, जेल की भी खुशबू बहुत अच्छी होती है। यहाँ पर मैं ये जेल मसाज कर रही हूँ। सो गाइस, ये काफ़ी अच्छी फेशियल किट है, ब्राइडल के लिए भी काफ़ी अच्छी है, और मैं मंथ में एक बार फेशियल ज़रूर करती हूँ अपनी स्किन पर, और मैं हमेशा VLCC फेशियल यूज़ करती हूँ और मैं अलग अलग फ्लेवर यूज़ कर लेती हूँ इसके, तो ये काफ़ी सारे फ्लेवर्स में और अलग अलग स्किन टाइप के अकॉर्डिंगली आपको मिल जाएगी। तो ब्राइडल के लिए भी बहुत अच्छी फेशियल किट है, आप इसे डेफिनेटली यूज़ कर सकते हो गाइस।
और ये आपको बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस पर मिल जाती है। ये मुझे 100 रुपीज़ के प्राइस में मिल गई थी लोकल मार्केट से, तो काफ़ी अच्छी फेशियल किट है। तो यहाँ पर मैं ये आप देख सकते हो अब क्रीम मसाज करूँगी अपने फेस पर। और गाइज इससे पहले मैंने जो भी आपको प्रोडक्ट्स सिखाए हैं उन सभी का रिव्यू मैं अपने चैनल पे शेयर कर चुकी हूँ, तो दोबारा मैं नहीं करूँगी अभी अपने फेस पर लगाकर नहीं दिखाऊंगी आपको। तो आप मेरी वीडियो की प्लेलिस्ट को चेक कर सकते हैं, पूरी उनकी डिटेल आपको मिल जाएगी। तो यहाँ पर गाइज मैं फेशियल कर चुकी हूँ और एंड में मैं आपको कुछ हेल्पफुल टिप्स भी दूंगी, तो प्लीज़ बने रहिएगा दोस्तों मेरे साथ, वीडियो का एंड तक ज़रूर देखिएगा वरना हो सकता है आप कुछ इंपॉर्टेंट मिस कर देंगे। और गाइज महीने में एक बार फेशियल ज़रूर कीजिएगा, चाहे आपकी शादी हुई है या नहीं हुई है या अभी काफ़ी टाइम बाकी है, तो आप इस फेशियल को आसानी से घर पर खुद भी कर सकते हो और बहुत ही ईजी होता है फेशियल इस तरीके से करना। और वैसे भी महीने में एक बार फेशियल ज़रूर करना चाहिए, इससे हमारी स्किन में ब्लड सर्कुलेशन भी अच्छा बना रहता है, हमारी स्किन में बहुत अच्छा ग्लो भी आता है और पिंपल्स की और एक्ने की प्रॉब्लम भी नहीं होती है हमारी स्किन में। सो गाइज़ यहाँ पर मैं अपने फेशियल कंप्लीट कर चुकी हूँ, तो आप देख सकते हो गाइज़ बहुत ही अच्छा ग्लो आया है मेरी स्किन में। तो ये किट भी मुझे बहुत ही अच्छी लगी है, आप भी इसे एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको भी बहुत पसंद आएगी ये। और दोस्तों आपने पूछा था कि मैं कोई अच्छी हेयर स्पा क्रीम बताऊं, तो मैं यहाँ पर आपको बताने जा रही हूँ बालों के लिए हेयर स्पा लोरियल प्रोफेशनल पेरिस की। ये काफ़ी अच्छी क्रीम है, इसका रिव्यू मैंने अपने चैनल पे ऑलरेडी शेयर किया हुआ है, तो मैं आपको या फिर आई बटन पर दे दूंगी या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दे दूंगी। और वैसे भी आप मेरी वीडियो की प्लेलिस्ट को चेक जरूर कीजिएगा क्योंकि मैंने इस प्रोडक्ट पर भी वीडियो ऑलरेडी शेयर की हुई है। और दोस्तों आंखों के लिए भी मैं आपको चीज़ बताने जा रही हूँ, एक आंखों से मेरा मतलब है कि अगर आप अपनी आईब्रोज की ग्रोथ को, अपनी आईलैशेस की ग्रोथ को घना करना चाहते हैं, अगर आप अपने डार्क सर्कल से छुटकारा पाना चाहते हैं, अपने फाइन लाइंस और रिंकल से छुटकारा पाना चाहते हैं, तो यहाँ पर मैं आपको एक अफोर्डेबल चीज़ बताने जा रही हूँ जो कि आपको ऑनलाइन भी इजिली मिल जाएगी और लोकल मार्केट में भी आपको इजिली मिल जाएगी। जी हाँ, मैं यहाँ पर बात करने जा रही हूँ रोगन बादाम शिरीन का ये ऑयल है, यानी कि बादाम का तेल होता है ये। इसकी आप एक ड्रॉप लीजिए अपने आईब्रोज पर, अपनी आईलैशेस पर, अपनी डार्क सर्कल्स पर, अपनी फाइन लाइंस और रिंकल्स पर अप्लाई कीजिए और 1 से 2 मिनट तक इस तरीके से मसाज कीजिए, आपकी डार्क सर्कल और आपकी ये सारी प्रॉब्लम दूर हो जाएंगी और आपकी ग्रोथ भी अच्छी हो जाएगी आईब्रोज की और पलकों की। तो इस एक चीज को भी जरूर ट्राई कीजिएगा। अगर आपके पास ऑलरेडी यहाँ पर फिगारो का ऑलिव ऑयल है तो आप इसे भी यूज कर सकते हो, ये डार्क सर्कल के लिए और फाइन लाइंस के लिए बहुत अच्छा है गाइस। इसे भी आप 1 से 2 ड्रॉप लीजिए और अपनी आईज पर मसाज कीजिए, बहुत अच्छा है ये भी। ये मैंने आपको 2 ऑप्शन दे चुकी हूँ यहाँ पर। और बैकग्राउंड में जो आपको नॉइज आ रही है तो प्लीज गाइज इग्नोर कीजिएगा क्योंकि हमारे घर में जो सामने काम चल रहा है वो अभी तक खत्म नहीं हुआ है। तो यहाँ पर आप इन 2 चीजों को यूज कर सकते हो, दोनों ही बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस पर आपको मिल जाएंगी। और गाइस अगर आप कोई अच्छी लिप बाम ढूंढ रहे हैं तो आप निविया की लिप बाम या फिर मेबेलिन की लिप बाम भी यूज कर सकते हो। अगर आप इतने महंगे प्रोडक्ट्स यूज नहीं करना चाहते हो तो आप घी की भी 1 से 2 ड्रॉप अपने लिप पर लगाकर मसाज कर लीजिए, इससे आपके लिप्स पर जो भी पिगमेंटेशन होगी ना गाइस वो भी रिमूव हो जाएगी और आपके लिप्स भी मॉइस्चराइज रहेंगे और आपके लिप्स फटेंगे भी नहीं। और फ्रेंड्स आपने पूछा था कि मैं कोई अच्छी फेशियल किट बताऊं ब्राइडल के लिए, सो गाइज मैं आपको एक चीज बताना चाहती हूं कि जब भी आप फेशियल किट को चूज करते हैं तो अपने कॉम्प्लेक्शन को ध्यान में रखते हुए और अपनी स्किन टाइप को ध्यान में रखते हुए चूज कीजिएगा। और वैसे अगर आप जानना चाहते हैं तो VLCC की फेशियल किट सभी बहुत अच्छी है गाइज, इनका रिव्यू मैंने कुछ फेशियल किट्स का अपने चैनल पर शेयर किया हुआ है, तो प्लीज गाइज मेरी वीडियो की प्लेलिस्ट को चेक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो VLCC की फेशियल किट सभी अच्छी है गाइज, ब्राइडल के लिए बहुत अच्छी है, कोई साइड इफेक्ट मैंने अभी तक इनका नहीं देखा है, तो आप इन्हें भी यूज कर सकते हो। एंड में दोस्तों मैं आपको कुछ हेल्पफुल टिप्स देना चाहती हूँ कि अगर आपकी शादी को 15-20 दिन बाकी है या फिर 1 महीना बाकी है तो कोई भी नया प्रोडक्ट स्किन से रिलेटेड अपने फेस पर इस्तेमाल मत कीजिएगा, कोई भी नया एक्सपेरिमेंट मत कीजिएगा क्योंकि इससे काफी बार हमारी स्किन पे कुछ ना कुछ रैशेज हो जाते हैं या कोई ना कोई प्रॉब्लम हो जाती है। तो इसलिए कोई भी नया प्रोडक्ट इस्तेमाल करने से या कोई भी नया एक्सपेरिमेंट करने से बचे। दोस्तों एक क्वेश्चन आपने ये भी पूछा था कि वैक्सिंग की सही एज क्या होती है, तो मैं बता दूं गाइस ये अलग अलग सभी लोगों की स्किन टाइप के अकॉर्डिंगली और अलग अलग क्योंकि सबकी ग्रोथ होती है, हेयर ग्रोथ पर भी ये डिपेंड करता है कि आपको वैक्सिंग कब करवानी चाहिए। वैसे मैं आपको यहां पर एडवाइस करूंगी गाइस कि अगर आपकी 18 साल से एज ज्यादा है यानी कि 18 साल से ऊपर है तो आप वैक्सिंग करवा सकती हैं, लेकिन वैक्सिंग करवाने से पहले भी एक चीज का ध्यान जरूर रखिएगा, हमेशा पैच टेस्ट वगैरह जरूर कर देखिएगा, इससे आपको पता चल जाएगा कि वो वैक्सिंग आपको सूट कर रही है या नहीं और या फिर आपको सूट करेगी भी या नहीं ये भी आपको पता चल जाएगा। तो इसलिए शादी से कुछ दिन पहले यानी कि 2-4 दिन पहले वैक्सिंग ना करवाएं, अगर करवा रहे हैं तो हमेशा पैच टेस्ट करवाने के बाद ही अपनी स्किन टोन को ध्यान में रखते हुए ही वैक्सिंग करवाइएगा क्योंकि अलग अलग वैक्सिंग अलग अलग स्किन टाइप लोगों के लिए बनी होती है। और आजकल तो मार्केट में आप जानते हैं गाइस कि ढेरों वैक्सिंग की टाइप्स आ चुकी हैं, कोई चॉकलेट वैक्स है, कोई कोल्ड वैक्स है, तो काफी सारी चीजें ध्यान में रखनी पड़ती है वैक्सिंग करवाने से पहले। तो अपनी स्किन से आप बस कोई भी कॉम्प्रोमाइज मत कीजिएगा किसी भी तरह का, कोई भी नया प्रोडक्ट बस यूं ही इस्तेमाल मत कर लीजिएगा, हमेशा उसको पहले यूज कीजिएगा, 6-7 महीने पहले यूज कर देखिएगा, एंड मोमेंट पे कोई भी नया प्रोडक्ट इस्तेमाल मत कीजिएगा। दोस्तों अब बात कर लेते हैं हेयर कट की। अगर आपकी शादी होने जा रही है और अगर आप कोई न्यू हेयर कट करवाना चाहती हैं लेना चाहती हैं तो आप प्लीज
दो या तीन दिन पहले कोई भी हेयर कट मत कराइएगा, ऐसी भूल ऐसी गलती कभी मत कीजिएगा। हमेशा अगर आपने कोई भी ऐसा हेयर कट कराना है या फिर आप नॉर्मली भी करवाना चाहती हैं, अगर आपकी शादी नहीं भी होने वाली है तो भी आप अगर कोई नया हेयर कट करवाना चाहते हैं, मैं सबकी बात कर रही हूँ यहाँ पर, सभी गर्ल्स की या बॉयज की बात कर रही हूँ, तो अगर आप कोई हेयर कट करवाना भी चाहती हैं तो हमेशा हेयर कट को एक या दो महीना पहले ही करवाइएगा, क्योंकि इससे आपको पता चल जाएगा कि आपके फेस पर वो हेयर कट सूट कर रहा है या नहीं। पहली बात तो आप ध्यान में रखते हुए ही करवाएंगे, और अगर आप कोई नया हेयर कट करवाते हैं तो एकदम से कोई भी हेयर कट आपके ऊपर सूट करने नहीं लग जाता है, थोड़ा टाइम लगता है, तो आप एक या दो महीने पहले हेयर कट करवा लीजिएगा, इससे वो कुछ दिनों में आपके फेस पर सूट करने लग जाएगा और आपका फेस अजीब सा भी नहीं दिखेगा, तो इस चीज का भी ध्यान में जरूर रखिएगा। और एक चीज और बताना चाहती हूँ दोस्तों, कि अगर आप पार्लर में ही फेशियल करवाना पसंद करती हैं तो आप हमेशा 6 महीने पहले या साल भर पहले आप फेशियल्स वगैरह टाइम टू टाइम लेना स्टार्ट कर दीजिएगा। जो आज चीजें मैंने आपको इस वीडियो में बताई है ना गाइज, ये सभी प्रोडक्ट्स आपको ऑनलाइन भी और लोकल मार्केट में भी इजिली अवेलेबल हो जाएंगे, तो आप वैसे भी अपने घर पर ही स्किन केयर अगर करना चाहती हैं तो इस तरीके से भी अपनी स्किन की केयर कर सकती हैं। लेकिन अगर आपको पार्लर में ही फेशियल वगैरह करवाना पसंद है तो आप टाइम टू टाइम अपने फेशियल्स की सेटिंग लीजिएगा, महीने में एक बार फेशियल जरूर करवाइएगा। अगर आपकी शादी को एक साल बचा है तो आप महीने में एक बार फेशियल जरूर करवाइएगा, और वैक्सिंग भी महीने में एक या दो बार आप करवा सकती हैं, क्योंकि वैसे भी ये हेयर ग्रोथ पे भी डिपेंड करता है। इससे क्या होता है कि आपकी जितनी भी बॉडी पर टैनिंग वगैरह होती है, पिगमेंटेशन होती है, डेड स्किन सेल्स जमा हो जाते हैं वो रिमूव हो जाते हैं वैक्सिंग करवाने से। तो इन सब चीजों का, इन छोटी बातों का जरूर ध्यान रखिएगा गाइस। ये बातें बहुत ही छोटी लगती होंगी लेकिन है बहुत काम की। तो अगर आपको मेरी ये टिप अच्छे लगे हो, मेरी वीडियो पसंद आई हो, तो प्लीज गाइस मेरी वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको मेरे ये स्किन केयर रूटीन कैसा लगा। ये ब्राइडल के लिए भी है, और अगर आप ब्राइडल नहीं भी बनने वाली हैं तो वैसे भी आप अपनी स्किन की केयर कर सकती हैं, क्योंकि गाइस वैसे भी अपनी स्किन की केयर करना बहुत अच्छी बात होती है। इससे हमारी स्किन में ब्लड सर्कुलेशन भी अच्छा बना रहता है, हमारी स्किन पे ग्लो आता है, और हमारी स्किन में एक्ने पिंपल्स की प्रॉब्लम भी नहीं होती है अगर हम अपनी स्किन की टाइम पर केयर करते हैं तो। सो गाइस मैं आशा करती हूँ कि आज की इस वीडियो में आपके बहुत सारे क्वेश्चंस क्लियर हो गए होंगे और बहुत सारी चीजें आपको सीखने को मिली होंगी, देखने को मिली होंगी। तो प्लीज गाइस मेरी इस वीडियो को और फ्रेंड्स के साथ भी जरूर शेयर कीजिएगा, इससे आप उनको भी हेल्प कर सकेंगे और उनको भी अच्छी लगेगी मेरी वीडियो। तो अच्छी लगे तो प्लीज गाइस लाइक शेयर तो कर ही दीजिएगा। आप मुझे फॉलो कर सकते हैं फेसबुक और इंस्टाग्राम पे। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।